सलमान खान पर चल रहे 20 साल पुराने मामले में अदालत ने फैसला तो सुना दिया है, लेकिन सलमान को जान से मारने की धमकी देने वाला विख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से सलमान को आज भी खतरा है। अदालत में सलमान के वकील ने यह दलील भी दी थी और शुक्रवार को जमानत की अर्जी लगाई जाएगी। हम आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई जोधपुर से संबंध रखते हैं और बिश्नोई समाज वाइल्ड सुरक्षा के लिए जाना जाता है। सिक्योरिटी आपकी तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। वैसे इतने केस मेरे को कभी कमिट तो मैं आज तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस का, भाग जाएंगे? ये वो पुलिस वाले से पूछिए जी, वो मेरी बात हुई उनसे, आपके वकील से मैंने पूछा उनसे भी। लेकिन आप इतना डाउट क्यों है? आप तो इतने बुखार हो। क्रिमिनल हुई ना, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिया ये, बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस है मैं तो पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करने बिना मतलब के। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे पुलिस, इतनी सिक्योरिटी आपकी? तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। सलमान को लॉरेंस ने हिरण शिकार मामले पर जान से मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपने गिरोह के जरिए वारदातों को अंजाम देता है। लॉरेंस पर वसूली और हत्या जैसे संगीन आरोप हैं, जिसके चलते वह जोधपुर जेल में बंद है। लॉरेंस ने पिछले दिनों पेशी पर आने पर पत्रकारों से कहा था कि सलमान अगर जोधपुर आएगा तो उसे सबके सामने मारा जाएगा। लॉरेंस सलमान से हिरण शिकार मामले से खफा है। अब जब अदालत ने सलमान को 5 साल की सजा सुना दी है और सलमान को उसी जेल में जाना पड़ा है जहां लॉरेंस बिश्नोई भी बंद है, ऐसे में सलमान की जान के खतरे की आशंका सलमान के वकीलों ने जताई है। हमारे ये था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है, जेल के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सलमान को धमकी दे रखी है, ऐसे हमने कुछ बातें कही कोर्ट को, ठीक है ना। तो हमको लगा कि उसकी सुरक्षा को दिक्कत हो सकती है, और क्योंकि बेल एप्लीकेशन बहस ही होनी है, वो अभी हो चाहे कल हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारा प्रयास ये था कि आज सुन लिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनके जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को नहीं बदलना चाहते, इसलिए कल सुनेंगे। हम आपको बता दें कि फिलहाल सलमान खान जिस जेल में गए हैं वह दुष्कर्म के आरोपी बाबा आसाराम भी बंद हैं। फिलहाल सलमान को आसाराम के बगल वाली बैरक में रखा गया है। देखना होगा कि सलमान को कब तक जेल में रहना पड़ेगा। शुक्रवार को सलमान के वकील जमानत का भी प्रयास करेंगे।